Welcome learners to literature lessons. Today I will be discussing the biography of the famous author and poet Kamala Das. तो हम इनके लाइफ फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं. She was born on 31st March in the year 1934 in the Punyurkulam Malabar district, that is in Madras, during the time of the British rule, and she died on 31st May in the year 2009 in Pune, Maharashtra. At that time her age was 75 years. The pen name or the writer name that she used was Madhavi Kutty. Or occupation se we already know that she was a poet, novelist and a short story writer. To jo genre tha jisme ye likha karti thi wo inke poetry, novel ya short stories hai. कुछ मेमोर्स भी इन्होंने लिखे हैं. सो मेमोर्स, जब कोई अपने लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करता है एक राइटिंग के फॉर्म में, उसे मेमोर कहते हैं. वो भी इन्होंने लिखे हैं. कुछ अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं, जैसे कि एजतुचैन पुरस्कारम, वायलर अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड, एशियन वर्ल्ड प्राइज, एशियन पोइट्री प्राइज एंड कैंट अवार्ड. शी वॉज मैरिड टू के माधव दास और इनके तीन बच्चे हैं, माधव दास नालापत, चिनन दास एंड जया सूर्यदास. रिलेटिव्स में जो इनके मेजर रिलेटिव्स हैं जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, वो हैं बालामणि अम्मा इनकी मदर और वी एम नायर इनके फादर. सो कमला सुरैया या कमला दास का जन्म 31st मार्च 1934 को हुआ था एंड शी डाइड ऑन 31st मई इन द ईयर 2009. इनका पेन नेम या जिस सडोनिम से ये लिखा करती थी वो था माधवी कुट्टी. इनकी शादी माधव दास नाम के एक आदमी से हुई थी व्हेन शी वाज ओनली 15. ये एक इंग्लिश पोएट हैं और साथ ही साथ मलयालम में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं. अगर हम मलयालम ऑथर्स की बात करें फ्रॉम केरला स्पेशली, शी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. इनकी जो पॉपुलैरिटी है केरला में मेनली इनकी शॉर्ट स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज की वजह से है. और इन्होंने जो है काफ़ी सारे वर्क्स इंग्लिश में भी लिखे हैं, बट इनकी पोइम्स और ऑटोबायोग्राफीज के लिए स्पेशली इन्हें जाना जाता है. ये बहुत सारे कॉलम्स रीड करती थी और डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखा करती थी, जैसे कि विमेन्स इशूज, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स और ऐसे ही बहुत सारी सोशल इश्यूज पे. ये पैदा तो हिंदू फैमिली में हुई थी, नायर फैमिली में, और इनके रॉयल लिंकेज थे, इनके एंसेस्ट्री रॉयल थी, इनके पूर्वज आप कह सकते हैं रॉयल थे. पर बाद में इन्होंने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया ऑन दिसंबर 11th 1999 एट द एज ऑफ 65, और इस्लाम में कन्वर्ट होकर के नया नाम ले लिया कमला सुरैया. ये फीमेल सेक्सुअलिटी को बहुत ही गिल्ट फ्री तरीके से अपने राइटिंग में पोर्ट्रे करती हैं, विच यू नो गिव्स हर एंड अदर विमेन आल्सो ओपन फ्रीडम. इस वजह से ये अपनी जनरेशन की आइकॉन की तरह मानी जाती हैं, बिकॉज शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल ऑथर्स टू हैव एवर डन दैट. शी डाइड ऑन 31st मई इन द ईयर 2009 एट द एज ऑफ 79 एट अ हॉस्पिटल इन पुणे. अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जन्म पुनियारकुलम मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, विच वॉज अंडर द ब्रिटिश इंडिया. आज की बात करें तो ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है इन इंडिया, जैसे कि डिस्कस कर चुकी हूँ. ऑन 31st मार्च इन द ईयर 1934 इनके पिताजी का नाम था वी एम नायर. वो मैनेजिंग एडिटर थे एक मलयालम डेली न्यूज़पेपर के, जिसका नाम था मातृभूमि. और इनकी माताजी का नाम था नालापत बालमी अम्मा, जो कि एक बहुत वेल नोन मलयाली पोइटिस थी. इन्होंने अपना चाइल्डहुड कैलकटा के साथ साथ जो है अपनी एंसेस्ट्रल होम पुनियारकुलम में भी स्पेंड किया है. इनके फादर जो थे वो एज अ सीनियर ऑफिसर भी काम करते थे इन वेलपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि कार्स बेचा करती थी, जैसे कि बेंटली और रोल्स
रॉयस एटसेट्रा। इनकी मदर बालमी अम्मा जो थी वो भी बहुत अच्छी राइटर थी, और कमला दास भी अपनी मम्मी की तरह ही राइटिंग में एक्सेल करती थी। उन्होंने इतनी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर को। कमला जो है बहुत पहले से ही, अर्ली एज से ही पोएट्री में इंटरेस्ट दिखाने लगी, और इसका इन्फ्लुएंस उनके अंकल को माना जाता है, नालपत नारायण मेनन, जो कि बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे। जब ये 15 साल की थी तो इनकी शादी एक बैंक ऑफिसर से हो गई जिसका नाम माधव दास था। उसने इनके राइटिंग को बहुत एनकरेज भी किया। ये लिखना शुरू कर चुकी थी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उन्होंने अपना वर्क भी पब्लिश कराना शुरू कर दिया था, स्पेशली इन इंग्लिश एंड मलयालम। कैलकटा में 1960s के अराउंड, जब आर्ट्स के लिए एक बुरा टाइम चल रहा था, उस समय कमला दास एक तरीके से कह सकते हैं आप कल्ट लीडर बन के उभरी फॉर द जनरेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्स हु वर देयर एट दैट टाइम। और इनके 6 पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुए हैं जिसको इन्होंने इनिशियली इंग्लिश में ही लिखा है। अगर हम इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं मलयालम में, बहुत सारे पोएम्स भी लिखी इंग्लिश में, और ये एक बहुत वेल नोन नोन कॉलम भी लिखा करती थी। इन्होंने एक बार कहा था कि पोएट्री इंडिया में सेल नहीं करती है, और इसीलिए ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखा करती थी। हर एक इशू पे इन्होंने लिखा, चाहे वो वुमेन्स इश्यूज हो, चाइल्ड केयर हो, पॉलिटिक्स हो। इनकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, समर इन कैलकटा, वो बहुत ही वेल नोन कलेक्शन है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ये ऐसे भी टॉपिक्स पे लिखा करती थी जैसे कि लव, बिट्रेयल और एंग्विश दैट कम्स विद द बिट्रेयल इन लव। इन्होंने एक बहुत इंडिपेंडेंट माइंड से लिखना शुरू किया। शी वॉज नॉट यू नो गवर्न्ड बाय द, आप कह सकते हैं, सेंटिमेंट लैंग्वेज और जो रोमांटिसाइज लव का वर्जन होता था 19th century पोइट्स का, इंडियन पोइट्स का, उससे ये बहुत अलग इनका वर्क हुआ करता था। ये इतना डायरेक्ट और ऑनेस्ट कन्फेशनल पोएम्स या कन्फेशनल राइटिंग लिखा करती थी, अपनी लाइफ को बिना फिल्टर के जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया करती थी, इनकी इसकी वजह से इनका कंपैरिजन अदर कन्फेशनल पोएट्स से हुआ है, जैसे कि मार्गरेट डूरास और सेल्विया प्लेथ। जब ये 42 की थी तो इन्होंने अपनी बहुत ही डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की जिसका नाम था माई स्टोरी। एक्चुअली में ये मलयालम में ओरिजिनली लिखा गया था, ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ। इसका टाइटल था अंत्यकथा मलयालम में। और इन्होंने बाद में एडमिट किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स इनके ऑटोबायोग्राफी के फिक्शनल भी थे, मतलब कि मनगढ़ंत। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे डाइवर्स अलग अलग टॉपिक्स पे लिखा है, चाहे वो एक पुअर ओल्ड सर्वेंट की कहानी हो, यू नो बिहेवियर हो अपर मिडिल क्लास वीमेन का टुवर्ड्स यू नो देयर देयर डिस्पोजिशन, सेक्सुअल डिस्पोजिशन, जो कि स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी को बिलोंग करती हैं। इस तरीके की आप कह सकते हैं डाइवर्स टॉपिक्स पे, कभी इन्होंने सोशल परायाज पे लिखा है, कभी इन्होंने नेचर्स पे लिखा है, कभी इन्होंने किसी एक इंडियन वुमन के स्ट्रगल के बारे में लिखा है। सो शी वॉज अ वेरी डाइवर्स राइटर व्हेन इट कम्स टू हर राइटिंग वर्क। और इनकी कुछ ऐसे स्टोरीज हैं स्पेशली मलयालम में जिनके लिए ये बहुत वेल नोन है, शॉर्ट स्टोरीज। कुछ नॉवेल्स भी इन्होंने लिखी है, जिसमें से कि एक का नाम था नीर मथालम पूता कालम, तो ये एक बहुत वेल नोन वर्क था इनका, क्रिटिक्स के हिसाब से भी। इन्होंने बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया है पोइट्री रीडिंग के लिए, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में गई हैं, इन डुसिसबर्ग एसन और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डिसबर्ग। इनका वर्क एल्ब्लाइज राइटर्स फेस्टिवल, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन जमैका सिंगापुर, साउथ बैंक फेस्टिवल लंदन, कॉन्कोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कैनेडा एट्सेट्रा। देर आर दीज आर टू नेम अ फ्यू प्लेसेज वेयर शी हैज़ डन अ पोएट्री रीडिंग और वेयर शी हैज़ गॉन टू प्रमोट हर वर्क।
इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इनका जो कह सकते हैं रीडर था, रीडर फील्ड था, वो कितना वाइड था, और पॉपुलर शी वॉज, यू नो, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली एज वेल। इनके वर्क बहुत सारे अलग अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेटेड हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, इवन जापानीज। कमला दास एक कन्फेशनल पोएट थी। इनको कंपेयर किया जाता है एनी सेक्सटन और रॉबर्ट लॉवेल जैसे अदर कन्फेशनल पोएट्स से। ये वाइस चेयरमैन रह चुकी हैं केरला साहित्य एकेडमी की, चेयरपर्सन रह चुकी हैं केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड की, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की, एडिटर रह चुकी हैं पोएट मैगजीन की, एंड पोएट्री एडिटर रह चुकी हैं ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इनका वर्क जो था वो जो है काफी अटेंशन ग्रैबिंग था, स्पेशली जब ये स्टार्टिंग में लिख रही थी ड्यूरिंग हर अर्लियर ईयर्स। और अब हम देखते हैं कि इंडियन इंग्लिश पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो अब इनका स्थान बहुत ऊपर है, एंड यू नो शी इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर ऑफ अ टाइम। 2009 में द टाइम्स ने इन्हें द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री भी कहा है। इनकी लास्ट बुक जिसका टाइटल था द केप्ट वुमन एंड अदर स्टोरीज, जिसमें कि इनकी शॉर्ट स्टोरीज का ट्रांसलेशन भी है, वो भी पब्लिश हुआ था इनके मरने के बाद, पॉस्थमसली जिसे कहते हैं। तीन बेटे हुए इनके, एमडी नालापत, चिनंदास, जयसूर्या दास, जिसमें से कि सबसे बड़ा बेटा जो था माधव दास नालापत या एमडी नालापत, उसने एक त्रवण कौर के रॉयल फैमिली की प्रिंसेस से शादी की है, एंड इनके बेटे की एक यूनेस्को में से पीस चेयर भी, ही होल्ड्स अ पीस चेयर इन यूनेस्को, ही इज अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो ही इज अ प्रोफेसर ऑफ जियो पॉलिटिक्स एट मणिपाल यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर ये जो द टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका एक रेसिडेंट एडिटर के, एज अ रेसिडेंट एडिटर ऑल्सो ही इज वर्किंग। सो मई 31, 2009 में एट द एज ऑफ 75 इनकी डेथ हो गई एक हॉस्पिटल में पुणे की। इनकी बॉडी को वहाँ से जो है ट्रेन में लाकर लाया गया इन टू द स्टेट ऑफ केरला, और इन्हें इनके जो दाह संस्कार था और जो फुल ऑनर दिया जाता है वो तिरुवंतनाथपुरम में हुआ, एट द पलायम जामा मस्जिद। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकली कभी एक्टिव नहीं थी, पर इन्होंने एक पार्टी लॉन्च की थी, अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था लोक सेवा पार्टी। उस पार्टी का एम था सेकुलरिज्म को प्रमोट करना और जो ऑर्फन मदर्स हैं उनको जगह देना, उनको उनको असाइलम देना। 1984 में इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी भाग लिया बट शी वॉज अनसक्सेसफुल। इन्होंने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, जबकि ओरिजिनली हिंदू नायक फैमिली को बिलोंग करती थी जिसकी एक रॉयल लिंकेज था। एनी वे शी कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन December 11 इन द ईयर 1999 एट द एज ऑफ 65, और इन्होंने तब अपना नाम बदल के कमला सुरैया रख लिया। अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू से, बट एक बायोपिक है जिसका टाइटल है आमी, जो कि डायरेक्ट की है कमल नाम के डायरेक्टर ने, वो रिलीज हुई थी ऑन Feb 9th इन द ईयर 2018। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट द अवार्ड्स एंड अदर रिकॉग्निशंस, स्पेशली हर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू नो। सो इन 1963 शी गॉट द पैन एशियन पोएट्री प्राइज, 1968 शी गॉट द केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हर स्टोरी तानापुर। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1985 शी गॉट द केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड, दैट वॉज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट शी रोट इन इंग्लिश। इन 1988 शी गॉट द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी। 1997 शी गॉट द वलायर अवार्ड। इन 2006 शी गॉट द डी लिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट। इन 2006 शी गॉट द मुथातु वक्रे अवार्ड। इन 2009 शी गॉट द यूटीशियन अवार्ड।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर वर्क्स इन इंग्लिश। तो नॉवल लिखी थी 1976 में, अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1976 में, माई स्टोरी। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो 1977 में आई थी अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, 1992 में आई थी पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएट्री कलेक्शन। सो 1964 में शी रोट द साइरन्स, देन 1965 समर इन कैलकटा, 1967 द डिसेंडेंट्स, 1973 द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, 1977 द स्ट्रेंजर टाइम, 1979 टू नाइट द सैवेज राइट विथ को ऑथर्ड विथ प्रीतिश नंदी, 1984 देर वॉज अ कलेक्शन कॉल्ड द कलेक्टेड पोएम्स, 1985 द अनामलाई पोएम्स, 1997 only the soul knows how to sing, 1999 my mother at 66, and in 2001 there was one more poetry collection known as Ya Allah. So with this, today's discussion comes to an end. I'll see you all soon in the next video. Till then, keep learning and keep loving literature, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.